नमस्कार दोस्तों, बी टाउन अप चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले महेश भट्ट और आलिया भट्ट के फिल्म सड़क 2 मूवी के ट्रेलर के रिव्यू के बारे में। तो दोस्तों आप भी अगर सुशांत सिंह राजपूत के ट्रू फैन है तो हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और शेयर करना मत भूले। तो चलिए दोस्तों बिना देर करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फाइनली सड़क 2 फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया है और इस मूवी के ट्रेलर को बहुत ही डिसलाइक मिली है पब्लिक की तरफ से और दोस्तों कमेंट भी बहुत ही बुरी मिली है। जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत कमेंट ज्यादा पढ़ने को मिलेगी। सड़क 2 मूवी के ट्रेलर में सुशांत सिंह राजपूत के फैंस का गुस्सा साफ तौर से दिखाई दे रहा है और इस फिल्म को ट्रेलर को बहुत ही डिसलाइक मिल रही है। दोस्तों सड़क 2 मूवी के ट्रेलर के कमेंट में सुशांत सिंह राजपूत के फैंस इंसाफ मांग रहे दोस्तों और वो चाहते हैं कि गुनहगार को सख्त से सख्त सजा मिले। और दोस्तों आप भी अगर चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिले तो हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और शेयर करना मत भूले। तो चलिए दोस्तों बिना देर करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सड़क 2 फिल्म को डायरेक्शन दिया है महेश भट्ट ने और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है मुकेश भट्ट ने। दोस्तों स्टार कास्ट की बात करें तो सड़क 2 फिल्म में हमें लीड रोल में आलिया भट्ट, संजय दत्त, आदित्य रॉय कपूर, पूजा भट्ट, गुलशन ग्रोवर जैसे स्टार देखने को मिले हैं। दोस्तों पर सुशांत सिंह राजपूत के फैंस सड़क 2 फिल्म को आलिया भट्ट को महेश भट्ट को बॉयकॉट कर रहे हैं और साथ ही साथ दोस्तों डिज्नी प्लस और हॉटस्टार की एप्लीकेशन को भी अनइंस्टॉल करने का रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि ये फिल्म को प्रोड्यूस कर रही है, ये OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने वाले हैं इस जगह पर। इसकी वजह से डिज्नी प्लस और हॉटस्टार प्लस को भी बॉयकॉट कर रहे हैं दोस्तों। दोस्तों सड़क 2 फिल्म 1991 में आई फिल्म सड़क का रीमेक है पर दोस्तों ट्रेलर देख के ऐसा लगता नहीं कि ये इस फिल्म का पार्ट 2 हो क्योंकि इस फिल्म की स्टोरी कुछ अलग दिख रही है। ट्रेलर का म्यूजिक तो अच्छा है पर पब्लिक को इस फिल्म का कंटेंट पसंद नहीं आ रहा और ट्रेलर को ठीक ठाक रिव्यू मिल रहा है दोस्तों। दोस्तों सड़क 2 फिल्म के बजट के बारे में बात करें तो 32 करोड़ के बजट में बना है और इस फिल्म को डिज्नी प्लस और हॉटस्टार ने 50 करोड़ में खरीदा है। पर दोस्तों जिस तरह से इस फिल्म के ट्रेलर को रिव्यू मिल रहे हैं नेगेटिव, उस हिसाब से लगता है कि ये फिल्म इस साल की सबसे फ्लॉप फिल्म जाएगी। तो दोस्तों अभी तक आपने ये ट्रेलर देखा कि नहीं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना और ये फिल्म हिट जाएगी या फ्लॉप ये भी जरूर बताना। आप इस फिल्म को देखना पसंद करोगे कि नहीं ये भी बताना और क्या आप सुशांत सिंह राजपूत के फैंस हो और इंसाफ चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए।